नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गृहमंत्री अमित शाह आएंगे चंडीगढ़, 22 दिसंबर को चंडीगढ़ आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेंगे हिस्सा, 375 करोड़ रुपए की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। गृहमंत्री अमित शाह आएंगे चंडीगढ़, 22 दिसंबर को चंडीगढ़ आएंगे अमित शाह। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेंगे हिस्सा, 375 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह आएंगे चंडीगढ़, 22 दिसंबर को चंडीगढ़ आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेंगे हिस्सा, 375 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि गृहमंत्री 22 दिसंबर यानी कल चंडीगढ़ आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेंगे और इस दौरान 375 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पटियाला के थाना त्रिपड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सरहंद रोड पर एक कैंटर को रोका, जिसमें 105 कार्टन पंजाब ब्रांड शराब बरामद की गई। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर गुरपिंदर सिंह ने बताया कि थाना त्रिपड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर सरहंद रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक कैंटर को रोका गया, जिसमें 105 पेटी शराब की बरामद की गई और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। मुक्तसर साहिब में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। और बता दें कि बाबा दीप सिंह नगर में सिक्का फैक्ट्री के पास मकान में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मजदूर को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें, सूचना पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है और एक मकान की छत पर काम कर रहे मजदूर की वहां से गुजरते समय बिजली की तारों की चपेट में आने से मौत हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਅਸਪਤਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਿੱਟੇ ਨਗਰ। भले ही मोगा पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर चोरी की और स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने की होड़ में लगी है, वहीं ताजा मामला बंद फाटक के पास चौधरी की फीड फैक्ट्री का है, जहां चार चोरों ने फैक्ट्री का शटर तोड़कर फैक्ट्री में घुसकर दफ्तर का दरवाजा तोड़कर चोरी की। गनीमत रही कि फैक्ट्री मालिक गल्ले में ज्यादा कैश नहीं रखे गए थे, इसलिए बचाव हो गया। लेकिन चोर भी खाली हाथ नहीं गए और गल्ले में पड़ा 3-4 हजार रुपए उड़ाकर फरार हो गए और सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ जी, ये ना सवेरे 4 बजे तकरीबन 4 जने आए जी, तो उन्होंने पहले शटर पट्टिया, ऑफिस वाला शटर पट्टिया नहीं गया, फिर दूजा बड़ा शटर पट्टिया जी, उधरों दी एंटर हुए तो ऑफिस चो तकरीबन 5-6 हजार की नकदी सी वो चक के लै गए जी। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 5वीं और 8वीं की 2024 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर
स्कूल द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण ना कराने के संबंध में हिदायतें जारी की। दरअसल कुछ स्कूल की ओर से 19 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, जिसके कारण संबंधित स्कूलों के परीक्षार्थी मार्च 2024 की परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इस संबंध में स्कूलों को फोन के माध्यम से तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों को अपने अपने स्कूलों के 22 दिसंबर तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 22 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं को लेकर हिदायतें जारी की गई हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और 22 दिसंबर तक किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां परीक्षाओं को लेकर हिदायतें जारी की गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि किसी भी हालत में 22 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर 22 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के लुधियाना लोकसभा प्रभारी सुंदर श्याम अरोड़ा ने दावा किया कि आगामी नगर निगम और लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने लुधियाना स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। योजना ने या जो जी बीजेपी की मीटिंग है उन्हें कवर करने लिए आए हो, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। अज की जी मीटिंग है प्रभावी के तौर पर मेरी फस्ट मीटिंग सी, इंट्रोडक्शन और जो साड़ियां स्कीमां ने उन्हां बारे मोदी साहब दियां सेंटर दियां स्कीमां ने लोगों के विच लैके जाना जां जिहड़ियां साड़ियां स्कीमां चल रही ने उन्हां दा देखना कित्थे कि पहुंचियां ने की काम है, उहदे बारे अज दी मीटिंग सी। मुला से आपके हल्का प्रभारी एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुमन बता दें कि हरसिमरन सिंह घुमन ने भूलथर आपके हल्का प्रभारी एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुमन ब्लॉक नडाला के गांव मॉडल टाउन और इब्राहिम वाले पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं इस मौके पर वहां पहुंचने पर सरपंच संतोष कुमारी के प्रति प्रमोद कुमार शर्मा और पूर्व सरपंच यूनुस पीटर सहोता और पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह दर्दी ने वार्ड प्रभारी को सम्मानित किया। इस दौरान जहां एडवोकेट घुमन ने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं मॉडल टाउन में ब्लॉक अध्यक्ष और नंबरदार लखविंदर सिंह लखा बौली की प्रेरणा से 61 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हल्का इंचार्ज घुमन ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब सरकार ने बहुत ही कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए और ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। आगामी सरपंच चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस गांव में सर्वसम्मति से सरपंच नियुक्त किया जाएगा वहां विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान गांव के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि 61 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें एडवोकेट घुमन पहुंचे मॉडल टाउन, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं 61 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। कपूरथला की तस्वीरें हैं जहां टाउन में लोगों की समस्याएं सुनी और 61 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। आज जी सब तो पहला ब्रह्मवाल दे विच पंचायत अपनी आम पार्टी शामिल हुई है, मौजूदा पंचायत। उस तो बाद साडा माड़ा लोन पिंड जो कि साढ़े कोल इहदे विच अज एक प्रधान, पंज मैंबरी कमेटी, उस तो बाद मैंबर 61 मैंबरी कमेटी बनी है जिहदे विच प्रधान पाया गया। अज तो बाद इस पिंड का कोई भी काम है हरसिमरन सिंह घुमन साहब जी
नॉलेज में कोई भी जी इन्हों की मांग है पहल के आधार पर की जाएगी, जो कि सानू ब्लॉक प्रधानों पिछों हदायत आई सी सीएम साहब वालों कि पिंड पिंड जाके कमेटियां बनाई जान। 21 मैंबरी का टारगेट सीगा, इन्होंने 61 मैंबरी कमेटी जो कि बनाई है। नगर परिषद ने श्री आनंदपुर साहिब के बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराया। हरजोत सिंह बैंस और हरजीत सिंह जीता के निर्देशन में हुआ कार्य। साथ ही दुकानदारों से अनुरोध किया कि बेवजह बाजारों में अवैध अतिक्रमण न करें, इससे शहरवासियों के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अतिक्रमण का कोई मामला यदि नगर परिषद के ध्यान में आता है तो ऐसे में लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आनंदपुर की तस्वीरें हैं जहां अवैध अतिक्रमण पर डंडा चला है। अवैध अतिक्रमण पर लगातार पंजाब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर जगह जगह अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और बता दें कि लगातार पंजाब पुलिस अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरते हुए है और जगह जगह अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अवैध अतिक्रमण पर पुलिस का डंडा चल रहा है। बता दें कि दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। आनंदपुर की तस्वीरें हैं जहां पर नगर परिषद का अवैध अतिक्रमण को लेकर डंडा चला। बता दें कि पंजाब में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद सख्ती बरते हुए, जिसको लेकर दुकानदारों से अपील की गई कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। आनंदपुर की तस्वीरें हैं जहां नगर परिषद का अवैध अतिक्रमण को लेकर डंडा चला है और दुकानदारों से अपील की गई कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। बता दें कि पंजाब में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और वहीं नगर कौंसल वालों शहर के बख बख थावां जो कि लोगों वालों दुकानदारों वालों नजायज़ कब्जे किए हुए थे उन्होंने नगर कौंसल वालों सख्ती चुकवाया गया। तो कल इन्हों के जोड़े प्रधान साहबान हैं सरदार इंद्रजीत सिंह अरोड़ा दीपक अंगरा जी ने भी नगर कौंसल वालों नोटिस दिता गया सी। ते इन्हों का भी नाल साडे नाल पूरा सहयोग रहा, इन्होंने भी लोगों को अवेयर किया। तो जिस दौरान अज कमेटी ने नगर कौंसल ने जाके लोगों के नजायज़ कब्जे खाली करवाए है, तो जिस दे विच कलगीधर मार्केट रोड, मेन बाजार, कचहरी रोड, गोल मार्केट, हुड्डा मार्केट, तो इन सब के नजायज़ कब्जे खाली कराए गए हैं। जिन्हें रह गए हैं उन्होंने हदायत कर दी है तो कल तो नजायज़ कब्जा ना किया जाए। तरनतारण के कस्बा गोविंदवाल साहिब में धागा फैक्ट्री में भयानक आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ का भारी सामान का नुकसान हुआ है और बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट होया जी, कितने मैं अमृतसर तो आ रहा सी, रहायश मेरी अमृतसर, रास्ते च मैं आ रहा सी, क्यों अगे तो 10 बजे आ जाइए, इतने अज लेट होने का कारण यह होया कि मैं समान कुछ खरीदन लग पाया, बाजार 10:30-11 बजे ना खुलता, समान लैके मैं आया, रास्ते च मैनू फोन आया कि अग लगी है, जब मैं आया इतने तो सब कुछ तबाह हो चुके है। मैनू प्रोपर जी तुम फोन मैं पहला इन्हों का आया, मैनू नहीं हूँ पता किन्ने बजे आया, मैं तुम दस दिना। सब तो पहला फोन आया मेरा ख्याल 12 बजे ना आया।
जिला पठानकोट सीमावर्ती जिला होने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसे काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए पाकिस्तान और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीमा लगती है जहां भारत पाक सीमा पर बीएसएफ द्वारा सेवाएं दी गई। वहीं दूसरी तरफ पठानकोट पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत इंटरस्टेट नाकों पर पुलिस द्वारा 24 घंटे नाके लगाए गए और नए साल के आगमन को देखते हुए पुलिस द्वारा गाड़ियों की जांच की जा रही है ताकि शरारती तत्वों और पर नकेल कसी जा सके। ये दो शिफ्टां नाके 12-12 घंटे की शिफ्ट है ते नाके दे जिहड़ा वी व्हीकल आउंदा कोई आउंदा या जांदा उन्हां नूं प्रॉपर चैक करीदे आ। उन्हां दे विच जिहड़े बंदे बैठे आ कौण है उन्हां नूं चैक करीदा। चैकिंग तों बाद ही नाका क्रॉस करके बंदा जा सकदा। हर बंदा चैक करीदा जो जिहड़ा कोई बंदा बाहर दा लगदा कोई शक्की लगदा उहदे डाकूमेंट जां जिहदे कोल आया उहदे रिश्तेदारी नूं चैक करीदा कि वाकई इत्थे आ। होशियारपुर के हाजीपुर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ते गांव हांदबल में सिंचाई विभाग हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटर नहर के टूटने से लगभग 80 एकड़ से ऊपर गेहूं और सब्जी के खेतों में पानी भरने से फसल खराब हुई है और लोगों का कहना है कि विभाग के घटिया कर्ज गुजरी के चलते ये बड़ा नुकसान हुआ। लोगों का कहना है कि खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई विभाग करे क्योंकि बहुत बार विभाग को नहर के लीक होने की जानकारी कर्मचारियों को दी गई लेकिन विभाग ने कोई गौर नहीं की। आज रात के समय जब नहर टूट जाने के बाद लोगों के खाते में खेत में पानी खड़ा हो गया तो आसपास के गांव में हलचल हुई क्योंकि हानबार टोटिया ओलाहा बाबा इच्छा दस आदि लगभग 10 गांव इस तरह पानी मारकर चलते नुकसान अब झेल रहे हैं। पंजाब के लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं लोहड़ी के त्यौहार पर बता दें कि कई युवा पतंग भी उड़ाते हैं और पिछले कुछ समय से इस पतंगबाजी में चाइना डोर का दबदबा रहा लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना डोर के कारण युवा पतंग उड़ाते हैं और जिससे आम लोगों और पक्षियों की जान को खतरा बना रहता है और इसे चाइना डोर को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते अमृतसर के थाना मौकमपुरा के पुलिस ने इलाके में गश्त के दौरान चाइना डोर गट्टू बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है और साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 110 चाइना डोर गट्टू जब्त किए गए। एक करियाने की दुकान में एक युवक नूं गिरफ्तार किया गया जिहदी दुकान दे विच असीं 110 गट्टू फड़े है जी। जिस संबंधी असीं मुकदमा नंबर 98/19/12/23 अंडर सैक्शन 188 IPC थाना मोहकमपुरे विखे दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने करीब 4 साल पुराने बाबा दयाल दास हत्याकांड में शिकायतकर्ता को तत्कालीन IG फरीदकोट के नाम पर 20 लाख की रिश्वत वसूलने के मामले में नामजद महंत मलकीत दास को वादा माफ गवाह बनने की मंजूरी दे दी है। आरोपी ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाकर प्रकरण में IG प्रदीप कुमार यादव के सीधे तौर पर शामिल होने का दावा किया और उसके गवाह बनने से IG यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं हत्याकांड के शिकायतकर्ता बाबा गगन दास के शिकायत पर जांच के बाद इसी साल जून में केस दर्ज हुआ था। इसमें तत्कालीन SP फरीदकोट गगनेश शर्मा, DSP सुशील कुमार व SI के अलावा महंत मलकीत दास जैसे ठेकेदार को नामजद किया गया था।
ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 319 ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਸੰਤ ਮਲਕੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ अगली खबर होशियारपुर के माहिलपुर कस्बे से है जहां कुछ लोगों द्वारा गुजरों की पराली में आग लगाने का मामला सामने आया है जिससे गुजरों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाद माहिलपुर पुलिस ने 3 लोगों को नामजद करते हुए 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वहीं नामजद लोगों में एक महिला भी शामिल है। जानकारी देते हुए पीड़ित मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वो माहिलपुर के वार्ड नंबर 11 में रहता है और कुछ लोग उसके पास बता दें कि उसके पास आए नशा करने के लिए पानी मांगने लगे और जब उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसको धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी जिसके चलते रात को पराली में आग लगा दी गई जिससे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਪੰਗੋਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਲਪੁਰ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ 28 ਤੋਂ 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧੂੰਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰ ਸੈਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਾਲੀ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬਲਕਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਅ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਮਾਮਦੇ ਨੀਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁੰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਆਨ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।